सो हे गाइस, माय नेम इज सेट और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। पहले मैंने बनाया था पोको मोबाइल का, अब मैं बनाने वाला हूँ रियलमी मोबाइल का, रियलमी 5 का मैं बनाने वाला हूँ। पोको F1 का मैंने आपको दिखा चुका है, अब मैं उसका बनाऊँगा। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा, एक लाइक छोड़ दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो, कमेंट जैसा आपको मन चाहे उसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा रियलमी 5 मोबाइल जो कि है 64 GB। इसका आता है एक 32 भी आता है और उसका 64 जो मेरे पास आज है मैं, और इसका एक और आता है वो है 6128। तो शुरू करें इसको, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल, देखिए इसको ओपन किया जाए। पहले तो जब मैंने इसे ओपन किया तो एक स्टेप का आ गया। तो ये तो मेरा मोबाइल है, तो इसको मैं दिखाऊंगा मेरे इसके अंदर क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अंदर एक कवर दिया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है कवर। दो पेपर बग्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, वो रियलमी की तरफ से पेपर क्विकली गाइड दिया गया और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड दिया गया है। तो चलिए, और ये मेरा बिल है जो इसको पेमेंट किया था मैंने, सुना देता हूँ। मैं निकालता हूँ अपना रियलमी मोबाइल, तो देख सकते हैं क्या खूबसूरत लुक ये दे रहा है, क्या खूब। देखिए मैं कैमरा बना, मैं जिस मोबाइल से बना रहा हूँ उस मोबाइल का लुक भी दे रहा है, कितना खूबसूरत लुक है। इसे मैंने आपको बता चुका है कि ऑब्वियसली मैंने इसे ओपन कर लिया था, पर मैं आपके लिए इसे ऑन कर देता हूँ। मैंने ओपन कर लिया तो उसके बाद तो मैं डाल नहीं सकता हूँ। कवर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, पोको जैसे पोको मोबाइल की कवर क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगी। तो ये हमारा मोबाइल स्टार्ट, और एक महत्वपूर्ण बात पीछे है आपका, चलिए 2 मिनट के लिए इसको साइड रखते हैं। पहले इसका अंदर में चीज़ देख लें, तो ये हमारा दिया गया मोबाइल रखने के लिए एक स्पेस, अच्छी सिक्योरिटी दी गई थी। ये एक रियलमी की ओर से एक चार्जर दिया गया है जो कि है Part 1 का, तो आउटपुट ही देता है 5 वोल्ट और इनपुट देता है 240 वोल्ट, अच्छी है। और ये हमारे पास है एक कॉर्ड, मतलब एक वायर दिया गया है जो कि अच्छी मीटर 2 मीटर होगी, आई थिंक ये 1 ही मीटर है, पर ये अच्छी क्वालिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसे इसमें लगा लेते हैं, ये बन गया मेरा चार्जर, इसके साइड में रखते हैं। और एक एक उसके साथ एक और चीज दी गई है, और वो है एक सिम पिन जिससे आप सिम डाल सकते हैं और सिम निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये। तो इन सबको रखते हैं, पहले ही सब काम खत्म हो गया, और इनको सिर्फ अपने मोबाइल पे फोकस करना है। जस्ट अ सेकंड, आपको कर देते हैं क्योंकि इसे मैंने अभी परचेज किया, देखिए प्लास्टिक भी लगा हुआ है, जैसे मैंने आपके सामने खोला है, ये मोबाइल पे लगा हुआ था और मैंने इसे निकाल के डब्बा पे लगा दिया। लुक मोबाइल बहुत अच्छा दे रही है, और ये सेफ्टी किट
अगर आप चाहें तो इस पिन को इसके अंदर भी रख सकते हैं, मैं तो रखता हूँ क्योंकि कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर रखना चाहिए। तो उसे मैंने बंद कर दिया, बहुत ही अच्छी लग रही है ये चार्ज नोट सेट वाला दिया है। तो इसे मैंने अब ओपन, एक मिनट मैं वो उसका मुंह दिखा दूँ, आपको दिखता होगा। एक मिनट मैं ट्राइपॉड स्टैंड एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब आप वो देख सकते हैं इस मोबाइल को, ऑलरेडी मैंने अपना सिम डाल चुका है, स्मार्ट असिस्टेंट इसमें सब है। और मोबाइल तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सेटिंग में जाइएगा तो आप लोगों को सेटिंग में बहुत ही अच्छा मोबाइल है। फिर मोबाइल कैमरा क्वालिटी मैं इसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं मेरा जो कैमरा क्वालिटी, अभी ये नाइट मोड मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि क्या होता है ना कि इतनी लाइट्स में इस कैमरे पे आता नहीं अच्छे से, तो मैंने इसमें नाइट मोड ऑन किया था। देखिए मैं नाइट मोड में ऑन कर देता हूँ तो ये वाइट मेरा आ गया, देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा में दिखा देता हूँ, फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, देखिए फ्रंट कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का ही दिया गया है। मोबाइल के अंदर भी मोबाइल के अंदर भी मोबाइल देख सकते हैं। तो ओवरऑल मोबाइल बहुत अच्छा है दिया गया है। और इसकी प्राइस है, जब मैंने इसे खरीदा था तो ये है इसकी, उसका डेट जब मैन्युफैक्चर हुआ था उसका डेट है 9/17/2019। तो ये न्यू मॉडल है, अब ये 10 चल रहा है, थिंक ये न्यू मॉडल है। और इसका प्राइस है ओनली 10,000 रुपीज़ मैंने इसे परचेस किया। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ अख्या।